इस वक्त इटावा लोकसभा चुनाव चल रहा है और मतदान आज चल रहा है। बहुत अच्छे से मतदान किया जा रहा है। कुछ मतदाता हमारे बीच खड़े हुए हैं। ये आईटीआई चौराहा इटावा है और मैं इनसे बात कर लेता हूँ ये किस प्रकार से क्या माहौल चल रहा है। दादा खड़े हो जाइए, आप लोग भी खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। इटावा में जो चुनाव चल रहा है जी, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ये क्या चर्चा चल रही है, किस तरीके का माहौल है? माहौल है, वोट पड़ रहे हैं शांति से, बड़े अच्छी तरीके वोट पड़ रहे हैं। ये तो लोकतंत्र है, बड़ा मेला है आज, आज सभी देखना चाहते हैं, तो इस मेले का आप भी हिस्सा है? हिस्सा तो है जी, वोटर है, हिस्सा होता है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। समाजवादी पार्टी के फेवर सब वोट पड़ रहे। समाजवादी पार्टी 1.5-2 लाख से जीत होगी यहाँ लोकसभा। बीजेपी की नहीं होगी? बीजेपी को कौन पूछ रहा है, जब सब जगह आंधी चल रही है गठबंधन इंडिया गठबंधन की, तो भाजपा क्या है उधर जगह? और इसमें तो जो है 13 में 10 सीट जीत रही सब जगह। और यहाँ थोड़ा गड़बड़ ये है कि एजेंट लोग जो है थोड़ा भाजपा की बदतमीजी दे रहे हैं, प्रशासन चूंकि उनका साथ दे रहा है। मोबाइल भीतर अंदर लिए पोलिंग पे, ये पोलिंग है, मोबाइल तक हम लोगों के जमा करा दिए, और जो बीजेपी का एजेंट है वो मोबाइल अपने साथ रखे। अच्छा, बूथ संख्या हम बता दें उसमें अभी है। अच्छा, इस वक्त जो है आपका जो सपा का माहौल चल रहा है जी, तो कितने मत आप बता रहे हैं कि 2 लाख मतों से जीत है, तो क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बेरोजगारी है, और ये संविधान की रक्षा करना है, संविधानों को बचाना है, बेरोजगारी है, सब मुद्दे ही मुद्दे हैं यहाँ का। आप बताइए, आप बता दीजिए क्या कैसा चल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। तो किसके माहौल बना हुआ? माहौल तो जमाना होगा समाजवादी पार्टी पक्ष में यहाँ बैठा हम बोले हो। कितने मतों से जीत हो रही? कम से कम 1.5-2 लाख से। सरकार किसके केंद्र में जा रही? वो तो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन, आप बताइए दादा, गठबंधन की सरकार बनेगी? पक्का? पक्का 101%। बीजेपी की बनने? नहीं, सवाल ही मोदी जा रहे। बीजेपी कह रहे कि गठबंधन बिल्कुल साफ है। अरे ऐसा नहीं है, बेईमानी भले ही कर रही है, कहीं कुछ नहीं है किसी का। 400 के 4 पार बता रहे हैं? 400 पार है, यहाँ 200 भी पार। अब की बार हारे ही हार, 400 पार नहीं है, हारे ही हार है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग है, आप बताइए क्या कहना? साइकिल चल रही है, गठबंधन की गवर्नमेंट बन रही है। लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस बार साइकिल नहीं चलेगी। बीजेपी यहाँ दिखाई नहीं देगी। अच्छा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं दिखाई देगी? नहीं दिखाई। क्या क्या कारण क्या रहेगा? बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण, ये युवा घूम रहे हैं, ये सबसे बड़ा है। तो बीजेपी का यहाँ क्या माहौल क्या है? बीजेपी कोई माहौल नहीं, यहाँ पे साइकिल चल रही है। साइकिल, आप बताइए। सपा की एक तरफा जीत है, लहर चल रही है, पूरे प्रदेश में आंधी चल रही है अखिलेश यादव जी की। इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत रहा है, भाजपा हर जगह ध्वस्त दिखाई दे रही है। वो तो लोग कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों, उसमें इटावा भी शामिल है। 5 सीटें भाजपा नहीं जीतेगी इस बार, समाज इंडिया गठबंधन 80 में 80 जीतेगा इस बार। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। और भी क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरेंद्र पाल है जी, और इस बार पाल समाज से। जी, पाल समाज से जी। और इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बनाने जा रहा है, और जो ये लोग 400 पार का जो नारा दे रहे थे अब वो भूल गए। अब इनको केवल ये पड़ी है, एक 2 पंक्तियां पढ़ के आपको बताना चाहूंगा कि स्वर्ग से शायर है क्या? शायर भी है। स्वर्ग से अटल जी रहे निहार, मोदी अब की बार जयो हार, 400 छोड़ो 400 नहीं पार। बहुत बुरी स्थिति है, अब जनता अब चिल्ला रही है, अब ये कोई गड़बड़ी गड़बड़ी वाला सिस्टम सब खत्म, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में साइकिल एवं इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सभी जीतने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अब गुजरात वापस जाने वाले। अच्छा, गठबंधन की सरकार कितनी सीटें ले आ रही है? गठबंधन की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। कितनी? 350 सीट है। 350 पार। उनकी 400 पार हो गई फिर? अरे बे, 400 पार झूठी कार, सिवाय झूठ के एक कोई काम नहीं, सिवाय झूठ पार नहीं। बे 15 करोड़ दे रहे थे, बे किसानों को कर्जे माफ कर रहे थे, बे महंगाई खत्म कर रहे थे, बे भ्रष्टाचार खत्म कर रहे थे, बे तानाशाही खत्म, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोलना। जो राहुल गांधी जी को एक नाम से पुकारते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर महिलाएं जो है कुछ है, एक मिनट देखते हैं। आप लोग वोट डाला है? दिखाइए, सब लोग ऐसे ऐसे वोट करिए, ऐसे
एक बार ऐसे करिए, सब ये सब सारी महिलाएं हमारे साथ वोट डाल के आई है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। कैसा लग रहा है आपने वोट डाला है? अच्छा लगा। कहाँ से हैं आप? हम मैनपुरी फाटक से हैं। इटावा से? इटावा से। इटावा में? हाँ। तो इटावा में जो वोट डाला है, किसकी सरकार बना रही है आप? अब क्या बताएं आप? नहीं, बीजेपी की या सपा की? अब जाके बन जाए नहीं पता। तो आप बताइए माता जी, सरकार आप बना रही, किसकी बना रही? तो साइकिल, आप किसकी डाल? साइकिल में डाल। और आप बताइए, तो आप कैसी, जो केंद्र में सरकार हो कैसी हो, क्या काम कर रहे हैं आप बताइए? साइकिल में डाल रही है। साइकिल में ये सारी महिलाएं, आप बताइए कहाँ डाल के आई? साइकिल, ये सारी महिलाएं जो हैं साइकिल में, ये सभासद भी हैं और इनसे मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा बताइए बताइए, यहाँ पे जो है कितने मतों से जीत हो रही है साइकिल की? 1.5 लाख। 1.5 लाख मतों से? तो इस बार बीजेपी आएगी? बीजेपी का आएगी, सपा आएगी। सपा आएगी? तो क्या वजह क्या है सपा आने का? अब रोजगारी देंगे, ऐसे ही फिर रहे सब। अच्छा, ये इटावा की महिलाएं हैं और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं कोई बात की है इन्होंने और बताया है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी की, जो कुछ जगह पे बीजेपी भी है लेकिन समाजवादी पार्टी के ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं इस वक्त। अब देखना ये है कि जो इंडिया गठबंधन है कितनी सीटों को ला कर और अपनी बहुमत में सरकार बना पाते हैं।